जिसके चलते जहां पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, वहीं घरोंडा की लाइब्रेरी भी बंद कर दी गई है। इस लाइब्रेरी में हर रोज 70 से 80 बच्चे पढ़ने के लिए एवं अन्य ज्ञानवर्धक चीजें देखने के लिए आते थे। लाइब्रेरी के इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसा कि प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ज्यादा संख्या में भीड़ नहीं होनी चाहिए और कोरोना वायरस से बचाव के लिए धारा 144 लागू की गई है, उसी के मद्देनजर घरोंडा में चलाई जा रही लाइब्रेरी भी पूर्णतः बंद कर दी गई है और आगामी आदेशों तक इसको नहीं खोला जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट जी। आज लाइब्रेरी बंद होने का क्या कारण है? अभी जो पूरे देश में एक कोरोना वायरस चला हुआ है, हरियाणा सरकार ने भी इसको महामारी घोषित किया है जी। उसके अकॉर्डिंग जो अपने उपायुक्त हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 144 धारा शुरू की हुई है कि ज़्यादा संख्या में शैक्षणिक संस्थान या जैसे हमारा ये लाइब्रेरी है वहाँ पर पाठक नहीं होंगे। उसी निर्देश को हमारे जो नगर पालिका के सचिव हैं श्री रवि प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी 31 मार्च तक बंद रहेगी। तो इस दौरान कोई बच्चे वगैरह आते हैं यहाँ पर? बच्चे तो आते हैं, फिर भी उनको जब इसके बारे में जानकारी दी जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं कि सही है, सरकार की पहल अच्छी है और उनके फायदे के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.